वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स अभी देखी हैं लास्ट वीडियोज़ में आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है एट हाइट एज वेल एज डेप्थ वो दोनों एक्सप्रेशन हम करेंगे सबसे पहले हम ये फिगर समझते हैं लेटस कंसिडर दिस इज़ आवर अर्थ जिसका रेडियस है आर ई अर्थ का मास है एम ई और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कुछ एच हाइट पे पड़ा हुआ है अबव द अर्थ सरफेस यहाँ पे हमारा एच ऑब ये हाइट पड़ी है इस हाइट से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ठीक है तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है हमने जो डिराइव कर रखा है दैट इज जी एम अपॉन आर राइट एम ई एन आर यू रिप्रेजेंट मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ सो लेट अस कंसिडर अ बॉडी एट अ हाइट एच हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे कंसिडर अ बॉडी एट अ हाइट एच अब दर्च सर्फिस यही हमने कंसिडर किया हुआ है हमने एक बॉडी कंसिडर की है कहा हाइट पे? पे यहां पर ठीक है तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी हमारी क्या आ जाएगी क्या हम लिख सकते हैं जी एच एच मीन्स कुछ एच हाइट पे सेम ये क्या आ गई उसकी रेडियस ये वाली रेडियस प्लस हाइट ओके सो लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन टू सो डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन इक्वेशन टू बाय वन वो क्या आ जाएगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आनी थी ये वाली टर्म तो मैं उसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ

अब इसके बाद मैं डिनोमिनेटर से आर ई e को बाहर लेके आ रही हूँ आई एम टेकिंग आर ई एज कॉमन अगर मैं आर ई कॉमन लूंगी ये स्क्वायर भी है तो वो बाहर क्या आ जाएगा आर ई e का स्क्वायर एंड अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट्स के वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर ओके सो मैंने क्या किया यहाँ पे? सिर्फ मैंने दोनों जो टर्म्स हैं उनको मैंने डिवाइड आउट करा। है. ठीक है पहले क्या किया फर्स्ट अर्थ के रेडियस पे जो अर्थ uh, के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी कितनी होती है वो कैलकुलेट है उसके बाद मैंने क्या किया है उसके बाद मैंने देखा है कि कुछ एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी मेरी क्या आ जाएगी ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा वन प्लस एच अपॉन आर ई की पार माइनस टू अब बेटे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये बाइनोमियल थ्योरम आप अपनी सीनियर क्लासेस में भी पढ़ेंगे आप अपनी मैथ uh, मैथमेटिक्स math, में भी पढ़ेंगे इसी क्लास में सो बाइनोमियल थ्योरम बेटे क्या कहती है वन प्लस एक्स की होल पावर के इज इक्वल टू वन प्लस के एक्स प्लस के इन के माइनस वन अपॉन वन मल्टीप्लाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू के माइनस वन इंटू के माइनस टू अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री एक्स की पार क्यूब एंड सो ऑन यहाँ पे हमारा जो के है उसकी वैल्यू है माइनस टू एंड हमारा जो एक्स है उसकी वैल्यू है एच अपॉन आर ई सो सब्सिट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज इन दिस हमारा आंसर क्या आ जाएगा वन प्लस एच अपॉन आर ई की पार माइनस टू इज इक्व टू वन प्लस माइनस टू इंटू एच अपॉन आर ई प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस वन एच अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन वन इंटू टू प्लस अब आगे क्या आ जाएगा माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस वन into माइनस टू माइनस टू अपॉन वन into टू इंटू थ्री और इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारा आ जाएगा h अपॉन आर ई का होल क्यू ओके सो बेटे हमारी जो ये वाली जो दो टर्म्स हैं एच ई e का स्क्वायर एंड एच ई e का क्यूब बेटे ये हम दोनों क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे निगलेक्ट क्यों करेंगे क्योंकि हमारा जो h है हाइट जो है वो रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा छोटी है एच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस रेडियस हमें पता है अर्थ का फोर फोर्टी सिक्सटी फोर हंड्रेड किलोमीटर्स होता है राइट right? सो so, इसके बाद हमारा ये जो जी एच अपॉन जी है अगर मैं इसकी जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या बच रहा है दिस टर्म। दैट इज इक्वल्स टू वन माइनस टू एच अपॉन आर ई तो अगर ये वाला जी मैं इस साइड लेके जाती हूँ तो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच आर या वन माइनस टू एच अपॉन आर ई सो दिस इज द रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन इन केस ऑफ हाइट जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से किसी हाइट एच हाइट पे पड़ा हुआ है okay? ओके अब हम देखते हैं हमारी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम किसी डी डेप्थ पे जा रहे हैं इन साइड अंदर अर्थ के नीचे को खुदाई कर रहे हैं ठीक है सो पहले फिगर देखो ये क्या बता रही है ये मेरा लेटेस्ट एज्यूम दिस इज माई अर्थ ठीक है ये मेरा क्या है आर रेडियस यहाँ पे था ऑब्जेक्ट यहाँ पे थे हम सरफेस पे अब हमने खुदाई की नीचे को यहाँ तक हम पहुँच गए ठीक है थीके? ये मेरी क्या है कुछ डी डेप्थ ये डी डेप्थ तक हमने क्या किया खुदाई की है। पहले हम ए पॉइंट पे थे फिर हम बी पॉइंट पे आ गए डी डेप्थ पे ठीक है तो मेरी ओ बी मतलब ये वाली कितनी हो जाएगी अगर मेरी पूरी ओ ए आर है ए बी डी है तो मेरी ओ बी क्या हो जाएगी आर माइनस डी राइट सो अस कंसिडर हमारा एम ई क्या है मास ऑफ अर्थ आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ ए पॉइंट क्या है ऑन द सर्फिस ठीक है ए पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं सर्फेस के ऊपर और बी पॉइंट को कर लेते हैं कंसिडर इन साइड द सर्फेस ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ मेरी जो ए बी है दैट इज इक्वल टू डी एंड मेरी जो बेटा ओ बी है दैट इज इक्वल टू आर माइनस डी जो मैंने आपको अभी समझाया सो so, इस केस में सी मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे क्या आती है पहले पहले हम देखते हैं एट पॉइंट ए ये वो तो हमें पता ही है ए पॉइंट पे क्या आएगी जी ई इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन वन अब हम देखते हैं एट पॉइंट बी अब मेरे बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगी उसको मैं जी डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ g m डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर ओके अब हमें पता वॉट इज डेंसिटी बेटा डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है तो यहाँ से मैं देखती हूँ मेरा मास क्या आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम यस डेंसिटी क्या आ जाएगी मास मास क्या आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो बेटी अब देखते हैं फर्स्ट केस में मेरा मास ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा रो डेंसिटी इज़ रो इनटू व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और मेरा वही जो मेरा मास एम डैश है दैट इज डेप्थ पे इन साइड यहाँ पर क्या मेरा मास आएगा वो आ जाएगा रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर माइनस का होल क्यूब सो देअर फोर मेरी जो इक्वेशन वन एंड टू है वो क्या बन जाएगी जब मैं ये वैल्यूज़ उनमें सब्सटीट्यूट करूंगी दे आर इक्वेशन वन एंड टू बिकम्स जी ई इज़ इक्वल्स टू जी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर रो फोर बाई थ्री पाई आर ई का क्यूब यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया तो मेरा जी क्या आ गया बेटे जी रो फोर बाई थ्री पाए आर ई इसको मैं लेट इक्वेशन थर्ड कर लेती हूँ सिमिलरली मेरी जो जी डैश है वो क्या आ गई जी अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर फोर बाय थ्री पाए आर माइनस डी का होल क्यूब ये भी मेरा इसके साथ सिमिलरली कट गया तो g डैश क्या आ गया g डैश इज इक्वल्स टू g फोर बाय थ्री पाए आर माइनस डी यहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए पॉइंट पे देखी फिर हमने इन साइड डी तक जब गए थे ये बी पॉइंट तक हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब हमारा जो रेडियस है वो क्या जाएगा देखाइनस डी होल स्क्वायर इसके बाद मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अर्थ का मास क्या जाएगा? Into, आ जाएगा रो इंटू दैट इज डेंसिटी आ गई मेरी रो इन्टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फेयर दैट इज़ फोर बाई थ्री फाइआर क्यूब सिमिलरली मैंने ये भी तो अंदर डेप तक गए थे सिमिलरली इस केस में भी मैंने मास निकाला है अब ये दोनों जो मासेज हैं इनकी पर्टिकुलर जगह पे मैंने फिल आउट कर दिया ठीक है तो मेरी जी g डैश और g ये मेरी दोनों इक्वेश एक एक्सप्रेशन बन गए हैं सो नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन फोर बाय थ्री फोर को मैं थ्री से डिवाइड करने लगी हूँ वो क्या आ जाएगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर क्योंकि ये भी सारी कट जाएगी ये भी सारी कट जाएगी दिस वन ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड आउट दिस वन ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड आउट राइट या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ और जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू अगर मैं इस दोनों इन दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दूँ तो क्या हम लिख सकते हैं वन माइनस डी अपॉन आर मैंने क्या किया है आर और आर को सेपरेट कर दिया अलग अलग करके मैंने डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दिया सो एक्सप्रेशन यहाँ से बन गया जी इज टू जी माइनस जी डी वाई आर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली उसको सो हेयर वी कैन से दैट जी डिक्रीजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ यहाँ हम बोल सकते हैं जी डिक्रीज विद द अर्थ सो ये था हमारा एक्सप्रेशन बेटे किस केस में जब हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन हम कर रहे हैं विद डेप्थ डी आई होप इट इज क्लियर बेटे इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो थैंक यू सो मच